आसमान में 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट राफेल की डील में महा घोटाले की खबर आई है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल डील कराने को लेकर भारत में कुछ दलालों को करोड़ों रुपए की घूस दी गई थी। ये रिपोर्ट भारत की मीडिया ने नहीं छापी है, क्योंकि भारतीय मीडिया तो खुद ही दलाल है। दरअसल खबर छपी है फ्रांस के एक पब्लिकेशन में। इस वीडियो में हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। 8 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल टीका लगाकर जिस राफेल की पूजा की थी, अब उसी राफेल जेट की डील में दलाली का जिन निकल आया है। 60,000 करोड़ के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बतौर गिफ्ट दी थी। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2016 में जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर डील हुई, तो उसके बाद राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को यह पैसा दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2017 में दसों ग्रुप के अकाउंट से 50,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर किए गए। ये गिफ्ट टू क्लाइंट्स असल में वो घूस थी जो किसी दलाल को दलाली के एवज में दी जा रही थी। इस दलाली का भंडाफोड़ तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA ने दसों के खातों का ऑडिट किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब AFA ने भंडाफोड़ किया, तो दसों एविएशन की ओर से कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन असल में ऐसा कोई मॉडल बना ही नहीं। यानी भारत में जैसे सड़क कागजों पर बनती है और उसका पैसा कोई अफसर या मंत्री डकार जाता है, उसी तरह फ्रांस की दसों एविएशन ने बिना राफेल के मॉडल बने ही गिफ्ट टू क्लाइंट्स के नाम पर करोड़ों बांट दिए। फ्रांसीसी रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि ऑडिट में इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी दसों एविएशन पर फ्रांस की सरकार या फिर जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया पार्ट ने एक्शन ना लेने के पीछे भी भ्रष्टाचार और मिलीभगत का आरोप लगाया है। साल 2018 में पार्क्विट नेशनल फाइनेंशियल PNF ने इस डील में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने इसका ऑडिट किया और इतना बड़ा खुलासा हो गया। खुलासा तो फ्रांस में हुआ है, लेकिन भूचाल भारत में आ गया। पहले ही राफेल डील को तय कीमत से कहीं ज्यादा पैसे में खरीदने के कारण मोदी सरकार घिरी हुई है, और ऐसे में दलाली के आरोपों के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को लपेटने में कोई देर नहीं की। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों को नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और कैग इस मामले में पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, लेकिन फ्रांसीसी मीडिया के खुलासे के बाद ये सवाल तो उठ खड़ा हुआ है कि क्या ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा देने वाले PM मोदी के राज में दलाल खाने की जगह सीधे होम डिलीवरी करा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार रोकने का दावा करने वाली मोदी सरकार के नाक के नीचे आखिर वो कौन था जिसे दसों कंपनी ने करोड़ों की घूस दी।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी सहयोगी अज़रा परवीन को दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में मिलते हैं।